हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम सब भी ठीक है और आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग वैसे फ्रेंड्स हम बनाने वाले तो थे नहीं, लेकिन आज मतलब आज की वीडियो बनानी पड़गी क्योंकि आज एक बेचारे कबूतर का क्या होगा, मर्डर कर दिया बिल्ली ने। एक कबूतर का मर्डर कर दिया बिल्ली ने, तो वो पड़ा किसी दूसरे बराबर वाली छत पे ताकि पोल्यूशन ना फैले, इसलिए हम उसे उठा कर ले जा रहे हैं नीचे, मतलब दाब देंगे मिट्टी में। बाकी ये बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। चलो बच्चे, लो बोलो सब। हाय गाइस, कैसे हो? तो फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं उसे लेकर। राहुल जल्दी चढ़े छत पे। फ्रेंड्स देखो, मैं दिखाऊँ आपको वो कबूतर, वो बेचारा उसके बेचारे की टाइट बॉडी वहां पड़ी। मेरे पैंट टाइट है, मैं भी चढ़ने लगा भाई। चल लो फ्रेंड्स, ये तो सब डरपोक बच्चे हैं, मजा आ रही उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए बेचारे की, फिर उसे नीचे दब देंगे क्योंकि अंतिम संस्कार का अधिकार सबका है। तो हम चल पड़ते हैं, कुछ नहीं होता, मैं चढ़ूंगा, हट जा। चल चढ़, तो भी चल जल्दी लाओ उसे, पैर पड़ गई मुझे। ले खुशी, वो कागज दे दो उसे, कागज कागज में लाइयो ठेक। हाँ आजा, लिया लिया। ओए ओ राहुल, इज्जत के साथ ला। इज्जत क्या रहा है, जो मरे इज्जत हो रहा है। इसमें ले राहुल, इसमें 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 इसका क्या फोटा था रहे तो। पिताजी चुप, ले आओ तो इस उम्र तो गया बेचारे, गेरे भी करे प्रदूषण नहीं फैल लगे। पिताजी से तो बैक आऊंगे हम मिट्टी में। जा राहुल जी भाई, इसे डॉक्टर के ले जा रहे हैं। दिखाई इधर ना, दिखाओ मेरे फ्रेंड प्रत्यक्ष नमक ले कर आया। चल राहुल रोलू, मुझे लग जिंदा देख, जिंदा देख। चल ये वाला ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर देखो कभी मुझे ही रहा हूँ इसका मुंह दिखाई जी नहीं रहा है, वैसे लग रहा मर रहा है सब कुछ। चल नहीं हिल नहीं रहा, मर गया इस वहां तो बैठा रहे ना। तो चलो अभी चल रहे राहुल, मेरे साथ साथ चल, जब तक दिखेगा सपना। ये रहा कबूतर, मतलब यार बिल्ली इतनी बदतमीज, नहीं नहीं कबूतर ने तो बैक रहा, बिल्ली इतनी बदतमीज जानवर है ना, जिसकी मतलब मुझे इतनी गंदी लगा है बिल्ली। जो आदमी बिल्ली पड़ा मैं भी बढ़िया लगते सारे, मतलब सारी चीज जो ना खा जाए, कबूतरों ने तो इतना खा है बेचारो ने, वो खा जाएगी फिर उसकी प्रकृति है। प्रकृति चिंता ला, चल हम ऐसा काम करते हम गलत है, उसकी प्रकृति है, उसने करण दो। आओ करण दो उसकी प्रकृति। वाह यहाँ कहाँ दबेगा, नहीं यहाँ फावड़ा लाया है, दबू वाला जा फावड़ा ला, पर देख सच इन खुद में फावड़ा, रुक जा फावड़ा ले चल ले फ्रेंड्स। अभी हम फावड़ा या खुद अरे पकड़ो उसे बदतमीज ने। ला मुझे पकड़ा, रख दे बेचारा यहाँ। हाँ इसका, हाँ इसका अंकम ने प्राण निकले ना, कहाँ थे पिल्ले बिल्ली ने भाई, बड़ा सा गड्ढा खोदे राहुल। उठने का नहीं, उम्र का बेचारा देख बिल्ली बिन रहा है। इसका अंतिम समय है। बस इसमें तो बहुत है, इसमें तो नहीं कूदने का, बहुत बड़ा गड्ढा होगा। बस बस राहुल बस रुक जाए एक मिनट। फ्रेंड्स ये देखो हमने यहाँ इसके कबूतर के नाम का ही गड्ढा खोद दिया, इसके साइज का खोद दिया बेचारे के। बस अभी ये माँ ने एक कपड़ा दे दिया, इसे यहाँ लिटावेंगे, इसके ऊपर कपड़ा उड़ाऊंगे, नमक डालेंगे जिससे जिसके डेड बॉडी हो वो मिट्टी में जल्दी मिल जाए और ये जल्दी बेचारा मतलब सही
मिट्टी के साथ मिल जावे, तो बस अभी कर रहे हैं। राहुल आ जा जल्दी, पढ़ते सिलेंडर इसमें पढ़ा दो। क्यों कच्चा जी, यू बेचारा एक निर्जीव प्राणी बनेगा, अब क्या कच्चा जी होगा इसका? ला चल मत डाल दी। कबूतर भी दिखाना चाहिए, चल गई। हाँ अच्छा, इसमें का डंपर तो है। अच्छा नमक दीजिए प्रत्यक्ष। वो रखा बुक्की पे। हाँ हाँ चलो बस फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर बेचारे का नमक डाल देंगे, जिसके इसकी बॉडी जल्दी बल्कि मतलब मिट्टी में मिल जावे। अरे वो तो चलो देख लीजिए। बस राहुल फूल भी गिर तो ला फूल भी दे को दे दे। और इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़े से फूल। नहीं नहीं प्यारी लगेगी। ठीक है जी, एक कौन से क्या केस हो गए? बस अच्छे से इस पे मिट्टी ढक दिए, अदर बैठ गया था कि बिल्ली कुत्ता कोई खोद ना सके। अरे इसकी जो सिक्योरिटी गार्ड लगा दे उसका अंतर जा। हां तो अगर निकाल लिया उसमें तो वो क्या बात कर रही है यार। इसके ऊपर फूल गिर दे, इसके कब्र के ऊपर। इसका लोग भाई फिंगर प्रिंट है। दबा ऐसे दे अच्छे तरीके से। इसके ऊपर थोड़े से फूल भी करा दिए। वो खड़ा बता है कब्र पे मेरी आ जाना। चल एवा एक पक्षी बेचारा शहीद होगा इसका। मैंने फ्रेंड्स सभी कबूतर को हमने बेचारे को दफना दिया मिट्टी में, उसके ऊपर थोड़े से फूल भी डाल दिए। और मतलब मतलब हमारे जो मतलब ये वातावरण वातावरण के लिए ये पक्षी बहुत जरूरी होते हैं। और अगर ये मतलब इनकी डेथ हो जाए किसी वजह से, तो इनको मतलब कभी ऐसे नाले में कोई पशु हो कोई पक्षी हो, इनको कभी नाले में या मतलब ऐसे ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता पोल्यूशन कितना फैलता है, कितनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो उनको हमेशा दबाइए, ऐसे नहीं ऐसे डाल दो कहीं भी। तो बस अभी हम कबूतर को दबा के आ गए। और फ्रेंड्स यहीं पे करूंगा मैं अपनी वीडियो का एंड। आज तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि ब्लॉग पसंद है लाइक से सब्सक्राइब कर दियो। तो बस यहीं पे करूंगा मैं अपनी वीडियो का एंड, और मिल लूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट।